नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दृष्टिर उपाध्याय। हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत तनवीर खान नाम के एक शख्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए सीएम योगी को गोली मारने की बात कही थी, जिसके बाद से ही ये मामला इसलिए जोर पकड़ रहा है और चिंता का विषय बना हुआ है कि जिस इंसान की नियुक्ति इसलिए की गई कि वो खाकी वर्दी में राइफल टांगकर लोगों की सुरक्षा कर सके और उसे इसी बात की अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है। सोचिए, अगर ऐसे इंसान की ड्यूटी किसी बड़े नेता या मुख्यमंत्री की सुरक्षा में लगा दी जाए तो वो क्या कर सकता है। अब आपको एक ऐसी खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं जहां एक आईपीएस अधिकारी ने कोरोना फैलाने वाले तबलीगी जमातियों को हीरो बता दिया। दरअसल कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को आईपीएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन को एक ट्वीट को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन ने कोरोना से स्वस्थ हुए तबलीगी जमात के लोगों की ओर से अन्य मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा दान करने को लेकर ट्वीट किया था। 27 अप्रैल को किए गए इस ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि केवल दिल्ली में 300 से अधिक तबलीगी हीरो देश की सेवा के लिए प्लाज्मा दान कर रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया इन हीरो के मानवता कार्य को नहीं दिखाएगा। वैसे जमातियों को प्लाज्मा डोनेशन के जरिए हीरो बताने वाले आईपीएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन को आंकड़ों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस कोरोना मरीज का इलाज प्लाज्मा थेरेपी के जरिए किया जा रहा था उसकी लीलावती अस्पताल में इलाज के दौरान इन्फेक्शन के चलते मौत हो गई। भले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया हो कि एक मरीज को प्लाज्मा थेरेपी देने के बाद वो ठीक हो गया, मगर यह गौर करने वाली बात यह भी है कि जिन जमातियों ने हजारों लोगों को संक्रमित किया, अगर उनमें से 300 लोगों के प्लाज्मा दान करने पर एक व्यक्ति ठीक भी हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे भी कोरोना वायरस के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल के प्रति बढ़ते उत्साह को लेकर ICMR ने राज्य सरकार को सावधान किया था कि बिना सोचे समझे प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के इलाज मरीज के लिए घातक हो सकता है और अध्ययन के नतीजे आने तक इसके अंधाधुंध प्रयोग से बचने की सलाह भी दी थी। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने भी कहा था कि भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कोई इलाज उपलब्ध नहीं है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इसके इलाज के लिए अलग तरीके पर ट्रायल कर रहे हैं, जिनमें प्लाज्मा थेरेपी भी एक है। अभी भी ये ट्रायल स्तर पर ही है और इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि इसके इलाज से कोरोना का मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो मूल रूप से बिहार के रहने वाले मोहम्मद मोहसिन इस समय पिछड़ी जाति कल्याण विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। राज्य सरकार ने मोहसिन के ट्वीट को गंभीरता से लेते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में उन्होंने 5 दिन के अंदर अखिल भारतीय सेवा के नियम 1968 के उल्लंघन पर लिखे जवाब देने के लिए भी कहा है। कर्नाटक सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो शक्तिशाली अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने से नहीं हिचकेगी। अगर उनकी गतिविधियां ऐसे समय में समरसता को खराब करती हैं जब COVID-19 के लिए एकजुटता की जरूरत है। नोटिस में कहा गया कि अगर वो 5 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो उनके खिलाफ ऑल इंडिया सर्विस नियम 1969 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि आईपीएस अधिकारी मोहम्मद मोहसिन पिछले साल उस समय भी चर्चा में आए थे जब अप्रैल में ओडिशा दौरे के दौरान चुनाव पर्यवेक्षक के नाते उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर की जांच करने की कोशिश की थी और चुनाव आयोग ने उन्हें 17 अप्रैल को निलंबित कर दिया था। वैसे भी सरकारी अधिकारियों का एक प्रोटोकॉल होता है कि वो हमेशा निष्पक्ष रहकर काम करें। इनका पार्टी और किसी धर्म विशेष से कोई जुड़ाव नहीं होना चाहिए। हमेशा अपने क्षेत्र की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसे में भी मोहम्मद मोहसिन जैसे आईपीएस अधिकारी अपनी कौम पर लगे गंभीर आरोपों को साफ करने के लिए साथ देंगे तो हमारे समाज के लिए घातक है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।